अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगस्त का पूरा शेड्यूल क्रिकेट का, और साथ में कैसे आप इन मैचेस को लाइव देख सकते हैं वो भी बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल बता दूँ तो पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का पहला मैच खेला जाने वाला है आज के दिन रात 8 बजे। आज संडे क्या, तब मैं वीडियो मंडे को अपलोड करूँ, लेकिन ये तो पता ही होगा कि आज खेला जाने वाला है। और ट्यूसडे 3 अगस्त को मैच खेल जाना है, 2nd को कोई मैच नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज़। ये काफ़ी कमाल की सीरीज होने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नए यंगस्टर्स को मौका दिया है स्क्वाड में, और बांग्लादेश की टीम तो आपको पता है। तो इक्वल मुकाबला होगा, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है। इसकी प्रिडिक्शन भी करेंगे कमेंट्स में बताएं कि प्रिडिक्शन वीडियो भी बनाऊँ और प्लेइंग 11 इस बारे में वीडियो बनाऊँ, तो फिर कमेंट्स में बताइएगा। T20 4 of 4 पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का खेलने जाने वाला है ट्यूसडे 3 अगस्त को। फिर वेंसडे 4 अगस्त को इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी ही धमाकेदार और मज़ेदार सीरीज होने वाली है, इंग्लैंड के अंदर खेल जाने वाली है ये। 4 से 8 अगस्त तक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बजे ये मैच शुरू होने वाला है, रात के नहीं सुबह के 3 बजे, दिन के 3 बजे। और 5 बजे फिर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वेंसडे 4 अगस्त को दूसरा मैच T20 सीरीज़ का। फिर वहाँ पे वन ऑफ टूर्नामेंट जो चल रहा है छोटी टीमों का T20 का, जर्मनी और नॉर्वे, और फिर FRA और नॉर्वे, फिर जर्मनी और FRA, फिर आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच फिर खेल जाना है फ्राइडे 6 अगस्त को। 2:45 पर यह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक स्टार्ट होने वाला है। बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 5 बजे मैच स्टार्ट होने वाला है 6 अगस्त को फ्राइडे, और बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 7 अगस्त को सैटरडे 5 बजे मैच चौथा स्टार्ट होने वाला है T20। और फिर आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे का 2:45 पे मैच स्टार्ट होने वाला है दूसरा ODI। फिर 5वां T20 ऑस्ट्रेलिया वर्सेज बांग्लादेश का मंडे 9 अगस्त को। फिर वेंसडे को एक ही मैच देखने को मिलेगा आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे 2:45 पर। फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा जो कि टेस्ट होने वाला है वो, और फिर वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट 1 of 2। और ये क्या है, ये वेस्ट इंडीज़ में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं ये 12 मतलब 5 की जगह 6 दिन के गूगल पे दिखाए जाते हैं, तो फिर इसका आपको पता है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। संडे 15 अगस्त को आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच होने वाला है, और फिर 17 अगस्त को आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे का दूसरा T20 है, 20 अगस्त को आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे का तीसरा T20 है, और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट 20 से 25 अगस्त तक 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और आयरलैंड वर्सेज जिम्बाब्वे का जो है 4th T20 आए 22 अगस्त को खेलने जाने वाला है, और 24 अगस्त को आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे का एक और T20 खेले जाने वाला है, और फिर 25 अगस्त को इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मैच खेले जाने वाला है। इसी के साथ अगस्त के सारे मैचेस ख़त्म हो जाएंगे, 29 तक ये मैच चलेगा, और 30 के बाद फिर बाद में सितंबर में 4th टेस्ट इंग्लैंड और इंडिया का खेले जाने वाला है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 4th और 5th टेस्ट सितंबर में खेले जाने वाला है। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इनकी लाइव स्ट्रीमिंग के, वेस्ट इंडीज वर्सेज पाकिस्तान आपको PTV स्पोर्ट्स पाकिस्तान में, और इंडिया में आपको Sony 6 पर पहले देखने को मिलता था लेकिन अब नहीं मिलेगा। इंडिया में आप फेसबुक पर देख सकते हैं लाइव, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट भी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता है, और बाकी सारे कंट्रीज़ में आप यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं, क्योंकि बाकी चैनल्स पर ये नहीं आने वाला। ट्यूसडे 3 अगस्त को बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऐसे आप पाकिस्तान के अंदर फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं, इंडिया के अंदर भी फैन कोर्ट और फेसबुक पर आप लाइव देख सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का जो अगला ये PTV स्पोर्ट्स पर और 10 क्रिकेट पर भी मेरे ख्याल से आता होगा, आप देख सकते हैं लाइव। और वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो मैच होने वाला है ये आपको लाइव देखने को मिलेगा Sony 6 पर इंडिया में, और पाकिस्तान में ये आपको फेसबुक पर देख सकते हैं आप लाइव। और बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरा T20 है ये भी आप फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर भी।
फिर ये वन ऑफ टूर्नामेंट्स है, ये आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट कर दें कि वैसे ये कोई देखेगा तो नहीं। आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच है, ये भी आपको फेसबुक पर लाइव मिलेगा। और बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तीसरा T20 आपको मिल जाएगा लाइव फेसबुक पर। और फिर बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 4 T20 भी वहीं पर मिलेगा। और आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे का जो है ODI फिर वो भी वहीं मिलेगा, बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भी वहीं मिलेगा, फिर वनडे भी वहाँ पे मिलेगा। और फिर जो टेस्ट है ये सोनी 6 पर आएगा। पाकिस्तान में आप देख सकते हैं लाइव, अगर आपने इंडियन चैनल्स हैं अगर आपकी टीवी में तो आप देख सकते हैं लाइव इसे। और वैसे आप फैन कोड भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप लाइव नेट टीवी की एप्लीकेशन है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी डाउनलोड करके आप ये मैच देख सकते हैं। काफ़ी कमाल के मैच होने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के। और फिर वेस्टइंडीज़ पाकिस्तान का जो टेस्ट 1 of 2 है, ये आपको 10 Cricket पर नहीं देखने को मिलेगा, PTV स्पोर्ट्स पर आपको मिल जाएगा। आयरलैंड वर्सेज जिम्बाब्वे का ये आपको किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला पाकिस्तान इंडिया में, कोई भी T20 आए, और फेसबुक पर आपको मिल जाएगा। और फिर दूसरा टेस्ट पाकिस्तान का, ये भी आपको 10 Cricket पर नहीं मिलेगा, PTV स्पोर्ट्स पर मिलेगा। और फेसबुक पर मैं बताता जा रहा हूँ, फेसबुक पे हर चीज़ को लाइव स्ट्रीम किया जाता है। तो आगे देख लेते हैं, आगे टेस्ट 3 of 5 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो होने वाला है 25 से 29 अगस्त तक, ये भी आपको सोनी 6 पर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ या नहीं।